Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another video lecture और आज का मेरा lecture number 24 that is for inter part 1 जिसमें हम लोग unit number 2 biological molecules के बारे में study कर रहे हैं. हम लोगों ने अपने previous video में देखा था about the importance of carbon. कि कार्बन जो एक एलिमेंट है इसे हम लोग कहते हैं बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. स्केलेटन ऑफ लाइफ का जो सेंट्रल पोजीशन है वो कार्बन के पास प्रेजेंट है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनके अंदर जो स्केलेटन उनका पूरा उनके जो सेंट्रल स्केलेटन है वो कार्बन है. तो व्हाई इट इज़ गिवन सो मच इम्पॉर्टेंस, क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कार्बन को इस हद तक इम्पॉर्टेंस देती हैं कि वो हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के अंदर मौजूद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. तो हम उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं. मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में दो प्रॉपर्टीज़ जो कार्बन एटम से रिलेट करती हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया है. वो कौन कौन सी हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि कार्बन जो है एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड है, यानी कि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में और उसको मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू कम्प्लीट इट्स बॉन्ड. तो वो 4 एटम्स को जब मुख्तलिफ एटम्स या सेम मुख्तलिफ एलिमेंट्स या सेम एलिमेंट्स के साथ जब बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो उसकी वजह से वो टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बनाता है जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं. सेकेंडली हम लोगों ने देखा था कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन दूसरे एटम्स के साथ, जैसे हाइड्रोजन के साथ या दूसरे कार्बन एटम के साथ. और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है. इसकी वजह से कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है, जो सेकंड पार्टिसिपेटिंग एटम है उसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है. तो यहाँ पे जस्ट शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन पेयर की बिटवीन द टू एटम्स. तो ये जो बॉन्ड है इसे हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. और इसके अंदर भी काफ़ी हद तक एनर्जी स्टोर हुई होती है, काफ़ी स्टेबल बॉन्ड होता है. अगर इसको ब्रेक करना है तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जीज प्रोवाइडेड ताकि इसको ब्रेक डाउन किया जा सके. वहीं से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि कार्बन किस तरह से मज़ीद मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ की वजह से इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है. अब कार्बन के अगर हम लोग देखते हैं तो कार्बन मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर सकता है. अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया थी एग्जाम्पल व्हेन कार्बन वॉज कम्बाइनिंग या मेकिंग बॉन्ड विद कार्बन एटम. उसके अलावा व्हेन कार्बन वॉज मेकिंग बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम. तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कौन कौन से मुख्तलिफ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ कार्बन बॉन्ड बना सकता है. तो हम लोग देखते हैं कार्बन कैन मेक बॉन्ड विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फ़र. ये वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जिनके साथ कार्बन बॉन्ड बना सकता है. बट कीप इन माइंड कि ये ओनली एलिमेंट्स नहीं हैं, यानी कि यही सिर्फ वो एलिमेंट्स नहीं हैं जिनके साथ कार्बन बॉन्ड बना सकता है और किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता. लेकिन अगर कॉमन बॉन्ड की देखें तो कॉमनली किसके साथ कार्बन बॉन्ड बनाता है, तो वो ये 5 एलिमेंट्स हैं जिनके साथ कार्बन बॉन्ड बनाया हुआ आपको दिखेगा. सो कॉम्बिनेशन विद दीज एंड अदर एलिमेंट इट विल लीड टू लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के जो हैं एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन की हुई है. तो इनको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और इनके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. और ये जो इतनी ज़्यादा कार्बन इन तमाम एलिमेंट्स के साथ जब मुख्तलिफ कंडीशंस में मुख्तलिफ बॉन्ड्स की सूरत में जब इनके साथ बॉन्ड बनाता है, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो वो जो कंपाउंड्स बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हाईली उनके अंदर वैरायटी का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज वैरायटी प्रेजेंट होती है. अब इन तमाम एलिमेंट्स में जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है इट इज़ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़. कि ये मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान का बॉन्ड दैट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड, ये बहुत एक स्टेबल बॉन्ड है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर हुई हुई है. तो ये जो एनर्जी जो इस बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है वो सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अब किस तरह से ये सेलुलर एक्टिविटीज़ या सेल्स को ये एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, किस तरह से उनको ये वो हासिल कर सकते हैं इस एनर्जी को, कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है जब वो सेल्स के अंदर जाते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस जिसमें मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है उनके ज़रिए जब इन बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाता है, बड़े मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया जाता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जब ब्रेक होता है
उस वक्त जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो सेल्स को मिलेगी, वो सेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगी ताकि वो अपनी सेलुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। इसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन की जो एसोसिएशन है, यानी कि इन दोनों के दरमियान का जो बॉन्ड है जो कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहलाता है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड कॉम्प्लेक्स यानी कि बिगर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को स्टेबलाइज करने में, उनको इजीली ब्रेक ना होने में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। इसी तरह से कार्बन जब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है जो कि अमाइनो एसिड लिंकेजेस में है, और इस बॉन्ड की वजह से फर्दर आगे फिर पेप्टाइड लिंकेजेस बनती है, पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं और पूरा एक प्रोटीन बनता है। ये जो बॉन्ड है प्रोटीन्स के अंदर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यू टू देयर डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर फंक्शन बहुत डाइवर्स है मुख्तलिफ प्रोटीन्स के अंदर। तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड इन द पेप्टाइड फॉर्मेशन इन द प्रोटीन्स। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, हमने ये देख लिया कि वो कौन कौन से मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं स्पेशली इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिनके अंदर कार्बन मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ, हमने देखा कि कौन कौन से मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जिनके साथ कार्बन बॉन्ड बना सकता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, मज़ीद देखते हैं कि कार्बन किस तरह से इम्पोर्टेंस रखता है। तो अगर हम लोग देखते हैं लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जैसे कि सेलुलोज है हमारे पास है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनको ये इतने लार्ज इन साइज हैं कि हम लोग इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम भी देते हैं। तो ये वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि सेलुलोज, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। ये जनरली सोल्यूबल नहीं होते वाटर में, यानी कि ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, हैंस दे फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से कि दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये सोल्यूबल नहीं है, वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकते, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्योंकि सेल का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए जो कि वाटर के अंदर डिजॉल्व ना हो। हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है जो कि उनके बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। अगर हमारे सेल्स किसी ऐसे मॉलिक्यूल के से बने हों जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं, तो वो सेल का जो स्ट्रक्चर है वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा और सेल डैमेज हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रह सकेगा। इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर कार्बन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स चूँकि वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, इनसोल्यूबल हैं वाटर में, इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। दे ऑल्सो सर्व एज स्टोरेज ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को स्टोर करने के काम भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज के अंदर ग्लूकोज को स्टोर किया जा सकता है, जब सेलुलोज को ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर से ग्लूकोज हमें मिल जाएगा, और ये ग्लूकोज क्या करेगा, ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यानी कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज को सेलुलोज की सूरत में अगर स्टोर किया गया है इन द प्लांट्स, तो जब प्लांट्स को ज़रूरत है एनर्जी की तो सेलुलोज को ब्रेक करें, उसके अंदर से निकला ग्लूकोज ग्लूकोज को के बॉन्ड को यूज़ कर सकते हैं इन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे बात की है मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एटम्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स की, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि स्मॉलर होते हैं इन स्ट्रक्चर, उनके अंदर इतने ज़्यादा एटम्स पार्टिसिपेट नहीं करते जितने के मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड्स की, फैटी एसिड्स की, ये वो एटम्स हैं जो कि स्मॉल इन साइज हैं, या तो ये इनके भी डिफरेंट फंक्शंस हैं। यहाँ पे भी इन सब मॉलिक्यूल, चाहे ग्लूकोज की बात करते हैं, अमाइनो एसिड की बात करते हैं, फैटी एसिड की बात करते हैं, इन सब मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए यहाँ पे कार्बन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कार्बन इनके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इनका रोल क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स का तो हमने रोल देख लिया कि वो इम्पॉर्टेंट सेलुलर स्ट्रक्चर्स को बनाने के काम आते हैं बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू नॉट डिजॉल्व इन द वाटर। तो जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं दे सर्व एज सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हमारी बॉडी को जब एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब हम कोई भी खाना
खाते हैं, तो इनके अंदर ये जो मुख्तलिफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बॉन्ड ब्रेक करके हमारी बॉडी को एनर्जी दी जाती है, हासिल होती है हमारी बॉडी को एनर्जी। इसी तरह से माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सब यूनिट्स का काम कर सकते हैं, यानी कि इन माइक्रो मॉलिक्यूल्स को मिला के एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बनाया जा सकता है, जिसके रोल, जिसकी इम्पोर्टेंस के बारे में ऑलरेडी अब आपको पता है। तो यहाँ पे माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी हमारी बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते जितने के मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि हमने देखा था मैक्रो मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, इनसोल्यूबल हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स की, ये इस हद तक अनस्टेबल हो सकते हैं कि ये इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो सकते हैं, और इमीडिएटली जैसे ही ब्रेक डाउन होंगे दे विल रिलीज द एनर्जी। कुछ मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में ऐसे हैं कि जैसे ही वो बनेंगे उनके अंदर एनर्जी प्रेजेंट है, बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी प्रेजेंट है, पर वो मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं और वो फटाफट ब्रेक डाउन होकर एटीपी को रिलीज़ कर देते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोगों की बॉडी जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी को के तौर पर उसको इस तरह के मॉलिक्यूल्स को यूज़ करती है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर जब एनर्जी चाहिए तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को यूज़ किया जाता है। मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होते हैं, फटाफट ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और उनके जो ब्रेक डाउन की वजह से जो बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर थी वो बॉडी को डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती है। तो ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन। हमने यहाँ पे मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ देखी हैं कार्बन की, कौन कौन सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, हम एक दफ़ा छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं उनको। हमने देखा है कि कार्बन जो है इट हैज़ अ टेट्रावेलेंसी, तो इसकी वजह से वो टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री अटेन कर लेता है जब वो मुख्तलिफ एटम्स के साथ, चाहे वो सेम मॉलिक्यूल के हैं चाहे वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से सेम एलिमेंट के हैं चाहे डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, तो जब वो डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है तो टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री अटेन कर लेता है। ये टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री पूरे मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा कार्बन के पास क्या एबिलिटी है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? थ्रू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू एटम्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड हाईली स्टेबल है, इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है, और जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और अगर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाए तो उसके अंदर से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड जो कि बॉडी के इस्तेमाल में आती है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल की बॉडी के लिए हाईली यूजफुल होते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कार्बन कैन कंबाइन विद डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और सल्फर के बारे में देखा, और हमने देखा कि इन सब एलिमेंट्स के साथ जब कार्बन कंबाइन करता है तो किस तरह से मुख्तलिफ सूरत हाल में इम्पॉर्टेंस रखता है और मॉलिक्यूल्स को इम्पॉर्टेंस प्रोवाइड करता है। इसी तरह से हमने देखा कि कार्बन जब दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल बनाता है तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स वाटर में इंसोल्यूबल होते हैं और सेलुलर स्ट्रक्चर्स को बनाने के काम आते हैं। इसके अलावा इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के स्टोरेज के तौर पर भी यूज़ किया जाता है कि इनको जब ब्रेक डाउन किया जाए तो स्मॉलर माइक्रो मॉलिक्यूल्स रिलीज हों जो कि आगे चल के एनर्जी को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह हम लोगों ने माइक्रो मॉलिक्यूल्स देखा कि कार्बन जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ मिलके माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाता है जो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, तो उनसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी भी हासिल होती है, उन माइक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलके मैक्रो मॉलिक्यूल्स को भी बनाया जा सकता है। तो ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि कार्बन को हाईली इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बनाते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। स्केलेटन ऑफ लाइफ में कार्बन को एक सेंट्रल पोजिशन हासिल है। और इसके अलावा एक और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बॉन्ड फॉर्मेशन के, कार्बन किस तरह से मुख्तलिफ बॉन्ड्स बनाता है, चाहे वो बॉन्ड सिंगल है चाहे वो मल्टीपल है, जिसमें डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, कार्बन किस तरह से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बना सकता है जो कि पूरी वाइड वैरायटी दे देते हैं एक एलिमेंट, एक पूरा मॉलिक्यूल को, एक कंपाउंड को, जिसमें वो रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, और उसके अलावा अनब्रांच चेन्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा वैरायटी प्रोवाइड करती हैं। थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ऑल दिस बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। उसकी टेट्राहेड्रॉन सिमेट्री है, वो फोर बॉन्ड्स बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, सिंगल बॉन्ड्स बना सकता है। ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं कि कार्बन की वजह से जो बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड वो इतनी वाइड वैरायटी में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो
लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर की बात करते हैं हम उसमें, चाहे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर हमारी एनवायरनमेंट में जो कुदरती तौर पर प्रेजेंट हैं या आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड किए गए हैं, हम उन सब के बारे में बात करें। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने आज टॉपिक फिनिश किया है रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन, कि कार्बन किस तरह से हाईली इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इन द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।